जो बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव के दौरान कही थी, अब वो बात देश के गांव तक पहुंचने लगी है। लोग जातियों में पहले से ही बटे थे, अब शमशान भी जातियों में बटने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। छुआछूत जैसे अंधविश्वास की वजह से जम्मू का ये गाँव चुंबिया ब्रह्मणा सुर्खियों में आ गया है। गाँव के बुजुर्ग एक ही चौक पर जमा होते हैं, साथ साथ खेलते हुए बच्चे जवान हुए हैं, स्कूल या शहर जाने वाली सड़क भी एक ही है, लेकिन शमशान घाट अलग अलग हो गए हैं। सवर्ण जाति के लोगों का आरोप है कि जब दलितों ने अपना शमशान अलग किया तो उन्हें मजबूरी में अपने लिए अलग शमशान बनवाना पड़ा। मैं तो सीधा सीधा जहां के एमएलए को भी ब्लेम करूंगा, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया 2.5 लाख रुपया, ये जो पहला शेड बना था 2.5 लाख रुपया दिया उन्होंने, मौके पर आके क्यों नहीं देखा कि कहां बन रहा है, जब पूरे गांव को बिठा के क्यों नहीं उन्होंने बात की कि हमने, मैं पैसा इशू कर रहा हूं, कहां बनवाना आपने शेड। मगर दलितों का कहना है कि सवर्ण बिरादरी के लोग उस शमशान में दाह संस्कार के लिए कभी आए ही नहीं जहां उनके शव जलाए जाते हैं। नहीं, जब से एक साथ कभी भी नहीं देखा हमने, जब से हमने होश संभाला है तब से नहीं देखा, और अपने बुजुर्गों से भी बात करने से पता चला है कि कभी एक साथ नहीं हुआ है। कोशिश की थी हमने 2008 में एक जगह पे करने की, तो वहाँ पे मना कर दिया गया था कि नहीं करने दिया जाएगा, आप अपनी जगह पे करो। तो उस मजबूरी में फिर वो जगह हमें दान में मिली जिसने दी, तो वहाँ पे अब हम संस्कार करते हैं। गाँव वालों के मुताबिक चुंबिया ब्रह्मणा गाँव में दलितों की आबादी 60% से ज्यादा है। सवर्णों का आरोप है कि दलितों के लिए अलग शमशान की व्यवस्था पंचायत चुनाव में वोट हासिल करने के लिए की गई थी, तभी से भेदभाव का यह सिलसिला शुरू हुआ। सवर्णों का तर्क है कि पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने अपने फंड से दलितों को शमशान घाट बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिया, तभी उन्हें मजबूरी में बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा से कहकर अपने लिए अलग शमशान बनवाना पड़ा। मगर दोनों पक्षों की दलीलें बताती हैं कि 4 पीढ़ियों तक साथ रहने वाली गाँव की दलित और सवर्ण आबादी राजनीति का शिकार हो गई है। गो न्यूज़ ब्यूरो।